आपको कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग यहाँ पे मिलने वाली है। सिंपल सी बॉक्स है, जल्दी से इसको ओपन करते हैं। पैकेट के अंदर यहाँ पे एक छोटी सी ये एक बॉक्स मिली है जहाँ पे एम्ब्रेन की ब्रांडिंग है और मेड इन इंडिया का यहाँ पे लोगो दिया गया है। उसके अलावा पीछे यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 499 की प्राइस लिखी गई है, लेकिन मैंने इसको 134 रुपीज़ में आई थिंक बाई किया हुआ है। तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे सिंपल सी एक केबल देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल जैसा या फिर रिव्यू देने के लिए बोला गया है कि अगर आप इन्हें रिव्यू दें तो अच्छा होगा। उसके अलावा यहाँ पे केबल की अगर क्वालिटी देखें तो केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केबल देखने को मिलता है। जहाँ पे ये एक USB-C का यहाँ पे पोर्ट दिया गया है, अगर आपको इसको माइक्रो USB में लगाना है तो आप इसको सिंपली यहाँ से रिमूव करेंगे और अब ये माइक्रो USB हो गई। वैसे इस केबल की कुछ हाइलाइट्स फीचर ये है कि यहाँ पे ये जो केबल है ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें तकरीबन डेटा ट्रांसफरिंग की स्पीड 480 Mbps की पर सेकेंड की होगी, तो उस हिसाब से केबल है। रही बात कितना लंबा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ। केबल बहुत ही ज़्यादा लंबा है, जो नॉर्मल आपका केबल आता है चार्जिंग वाला, मतलब आप समझिए कि यहाँ से लेकर और कुछ इतने दूर तक आता होगा जो आपको मोबाइल बॉक्स के साथ मिलता है। जबकि ये आप इसके साथ देखिए, ये तकरीबन डबल के बराबर है इतना, मतलब आपको जो आपके मोबाइल आप जो मोबाइल बाई करते हैं उसके साथ जो कंपनी की तरफ से आपको डेटा केबल मिलता है उसके मुकाबले ये डबल लेंथ में है, उससे बहुत ही ज़्यादा लंबा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये ठीक है। और ये आपको मेन जो है USB-A to माइक्रो USB और 2 USB-C का केबल यहाँ पे मिलता है। रही बात स्ट्रेंथ की, तो ये ड्यूरेबल है। यहाँ पे केबल बहुत ही ज़्यादा मोटा दिया गया है, यहाँ पे पॉली कार्बन का यूज़ किया गया है जिससे इस केबल की स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये एम्ब्रेन का केबल देखने को मिलता है। आप इसको बाई कर सकते हैं, अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट बाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली वहां से बाई भी कर पाएंगे।